नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट, प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस आगामी 20 मार्च को जिला मुख्यालय में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने मीडिया को चर्चा में दी। इस दौरान लोधी युवा महासभा राष्ट्रीय महासचिव सौरभ लोधी, महामंत्री सुखदेव मुनि कुतराहे, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र मोहारे, पूर्व पार्षद राजेश लिल्हारे, उपाध्यक्ष संदेश नगपुरे उपस्थित थे। लोधी महासभा जिलाध्यक्ष उम्मेद लिल्हारे ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी लोधी और सर्व समाज की प्रेरणा स्रोत वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस भव्य रूप से सामाजिक रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रानी अवंतीबाई चौक पहुंचेगी, जहां वीरांगना रानी अवंतीबाई को आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया जाएगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रथम सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस जिले में भव्य रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को जातियों की बेड़ियों में बांध कर नहीं रख सकते। महापुरुष किसी समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के होते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिससे पूरा देश वीरांगना के रूप में याद करता है, जिनके बलिदान दिवस पर हम सभी उन्हें अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें, यही जिले के लोगों से अपील की गई। पूर्व वर्ष की परंपरा अनुसार इस वर्ष भी 20 मार्च जो कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांतिकारी सेनानी महारानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस की तिथि है और इस 20 मार्च को हम सभी लोग महारानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस को याद करने के लिए, उनके बलिदान दिवस, उनके शहादत दिवस के कार्यक्रम को मनाने के लिए सभी इकट्ठे होने जा रहे हैं। मैं अपने सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से, मीडिया जगत के माध्यम से, संपूर्ण जिलेवासियों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। चूँकि सामान्यतः एक मान्यताएँ हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, आज के समय में हमने सबको अलग अलग जातियों के बंधन से बात किया, उनके जो जाति के लोग हैं उन लोग मानते हैं और वही जाति के लोग उस कार्यक्रम को करते हैं। यह भी सही है कि चूँकि हमारे अपने जाति के वो कुल गौरव हैं, हमारे जाति के वो आभूषण हैं और इसलिए जात विशेष के लोग उन्हें पूरी ताकत के साथ मानते हैं। लेकिन आज मैं सभी जिलेवासियों से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि जो भी हमारे महापुरुष हैं या जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हम ऐसे लोगों को किसी भी जातियों की बेड़ियों में बांध करके नहीं रख सकते और इसी के चलते सभी लोग, चाहे राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सामाजिक जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे जिले का कोई भी व्यक्ति, सभी से मेरी प्रार्थना, सभी जिलेवासियों से प्रार्थना है कि वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस को मनाने के लिए, वीरांगना को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जो आयोजक मंडली है, हमारे आदरणीय उम्मीद भैया बैठे हैं, जितेंद्र भैया बैठे हैं, भाई सौरभ बैठे हुए यहाँ पर, संदेश बैठे हैं, सुखदेव भैया बैठे हैं, राजेश बैठे हैं, जो आयोजक मंडली है, आयोजक मंडली और हम सभी का यह प्रयास है कि वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस के कार्यक्रम को पूरे जोर शोर के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम मनाएं, ताकि इस बात का भी संदेश जाए कि आज भी महारानी अवंतीबाई के जाने के 152 साल बाद भी आज उनके चाहने वाले लोग, उनके मानने वाले लोग आज उस वीरांगना को उतने प्यार से मानते हैं और इसी हेतु, चूंकि जहाँ भी वीरांगना आज इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में होगी, उस वीरांगना अवंतीबाई को भी लगे कि मैंने जिन लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, आज कम से कम वो लोग इतना तो हमें मानते हैं और इसी के चलते हम वीरांगना अवंतीबाई के कार्यक्रम को पूरी ताकत के साथ, पूरे उत्साह और जोर शोर के साथ उनके शहादत दिवस को मनाएं, यही अपील, यही था। इस वर्ष भी 20 मार्च को महारानी वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। इस बार कार्यक्रम को भव्य रूप देने का प्रयास है हमारा। इस बार पूरा कार्यक्रम रामा बापू लोधी गार्डन में पूरे जिले के लोग, स्वजाति
स्वर समाज, प्रत्येक किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे सब आमंत्रित हैं और सबके सब रामा बापू गार्डन में एकत्रित होंगे। वहाँ से एक और विशेष बात है इसमें कि रानी अवंती बाई लोधी पर जो फिल्म बन गई, उस फिल्म की दोनों नायिका वोश राजपूत और रूपल जैन और उस फिल्म के डायरेक्टर महेंद्र लोधी सबके सब मुंबई से इस कार्यक्रम में शामिल होने और रानी अवंती बाई की गेटअप में दोनों अभिनेत्रियां घोड़े पर सवार होकर पूरी रैली का नेतृत्व करेंगी। ऐसा लगेगा देखने में कि रानी अवंती बाई घोड़े में सवार है और पूरा रैली में शामिल सभी व्यक्ति उनके सैनिक हैं। इस कदर एक रैली का स्वरूप होगा। रैली पूरा शहर भ्रमण करते हुए रानी अवंती बाई चौक में एक विशाल सभा होगी और उस सभा में हमने जिले के सभी जनप्रतिनिधि, प्रत्येक आम मानस सबको आमंत्रित किया है। उस सभा में उस दिन चूँकि हमारा जो साथी सौरभ लिलारे हमारी लोधी समाज के लगभग 6-7 वर्षों से रक्तदान शिविर करवाते आए हैं, उसी स्थल पर भारी संख्या में रक्तदान शिविर का भी आयोजन है। रानी अवंती बाई का रक्त, एक एक खून का कतरा हमारे इस देश पर निछावर है। हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी समाज का, हमारे जिले का युवा रक्तदान करके रानी अवंती बाई को याद करेंगे। रात्रि में उसी मंच, उसी स्थान पर कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है जिसमें उस मुख्य रूप से बालाघाट से राजेंद्र शुक्ल सहज जी उसके संचालक हैं और इनके साथ ही क्या क्या नाम है उनके महाराज। बालाघाट जिले से खबर समय जगत की डी संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.